हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके वर्क्स पे। तो आज ये आई हमारे पास आर्टिगा और इसमें जो प्रॉब्लम है वो चेक लाइट की प्रॉब्लम है। आइए दिखाते हैं आपको। फॉल्ट क्या रहा है इसमें? इसमें फॉल्ट बहुत तगड़ा है, बताओ तो सही। इसमें एक तो सिलेंडर मिसफायर का कोड आ रहा है 4 नंबर का, दूसरा एक आ रहा है व्हीकल स्पीड सेंसर का। फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी बिल्कुल बढ़ नहीं रही है और जैसे ही चलते में सेकंड गियर डालोगे बढ़िया पिकअप ले लेगी। तीसरा डालोगे और अच्छा हो जाएगा, चौथा डालोगे और अच्छा। इसमें उल्टा हो रहा है, हर गाड़ी में पहले फर्स्ट में पिकअप बनता है, इसमें फर्स्ट में नहीं बनना, दूसरे में उससे ज़्यादा तीसरे में, फिर चौथे में बढ़िया चल रही है। तो और छोटे गियर जैसे डालने उसमें मिसिंग कर रही है। अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व की है, मैं देखता हूँ अभी टेस्ट मार के कि अभी भी झटके मार रही है वही है। तो ठीक है अब? हाँ, अभी तो कोई लाइट नहीं है। पावर स्टीयरिंग और स्टीयरिंग बीच में हुआ था, अभी हुआ था। स्टीयरिंग इसमें दिक्कत कब आ रही है पता है? इसमें स्टीयरिंग में भी दिक्कत और मिसिंग में कब आ रही है? जब इसकी स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। इसका नई समस्या है इस गाड़ी के अंदर, जब पावर स्टीयरिंग की लाइट आ जा रही है तब ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। मिसिंग भी ऐसी कर रही है, मिसिंग नहीं कर रही है मतलब पिकअप नहीं पकड़ रही है फर्स्ट गियर में, सेकंड में बढ़िया चल रही है, थर्ड में ऐसे ऊपर बढ़िया चल रही है। कमेंट करके बताओ प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हैं इसके ऊपर चेक लाइट आ रही है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। ये देख सकते हैं इस पर चेक लाइट आ रही है स्टार्ट होने के बाद भी गाड़ी, और ये ABS का सेंसर भी आ रहा है। तो इस चीज़ को दिखाते सॉल्व करते हैं, इसमें काहे की चेक लाइट आ रही है। तो हमारे पास है OBD स्कैनर जो ये है, तो इसमें चेक करते हैं, इसको यूज करने का तरीका बताते हैं आपको। तो OBD डायग्नोसिस पे हम जाएंगे, इस पर इंटर करेंगे, देख सकते हैं इंटर। तो ये इंटर होने के बाद प्रोसेसिंग पे जाएगी और ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको अगेन इंटर करेंगे हम। उसके बाद हम इस पर रीड कोड पे जाएंगे, रीड कोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर देखते हैं करंट DTC पे की प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें आ रहे हैं दो कोड, एक तो सिलेंडर 4 मिसफायर डिटेक्टेड, ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड सेकंड जो है वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है व्हीकल स्पीड सेंसर ए, तो दो कोड आ रहे हैं इसके ऊपर, एक P0500 एंड सेकंड जो आ रही है वो है P0304। तो ये कोड जो दिखाई दे रहे हैं आपको डिस्प्ले के ऊपर, तो इसको इरेज करके देखते हैं। और पेंडिंग DTC में भी चेक कर लेते हैं। पेंडिंग में हमारी व्हीकल स्पीड सेंसर ए यानी कि P0555 इसका कोड आ रहा है, तो इसको इरेज करके देखते हैं। हाँ, तो ये हमने इरेज कर दिया है, देखते हैं इसके ऊपर कोड आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देख सकते हैं सारे कोड हमारे डिलीट हो चुके हैं। और इसे स्टार्ट करके देखते हैं, ये चेक लाइट है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं ये हट चुका है हमारा। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।